स्टार्ट होगी, जैसे बंदे आते हैं मैं बताता हूँ। ये सामने तो हम दोस्तों बस थोड़ा इंतजार, जैसे ही आ जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। चैंपियन उस्ताद यूएई साबिक चैंपियन माशाल्लाह यूसुफ हमदान, उनके साथ उनके बड़े भाई खालिद हमदान, साथ में निकू जो छत की जो उनकी सारी जिम्मेदारी उठाते हैं। हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मूवी को शेयर करते जाना, इससे होगा ये कि फ़ायदा होगा, दोस्तों भाइयों का फ़ायदा हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखने को मिल जाएगा। बड़ी मुश्किल से हाथ आए आज यूसुफ भाई, क्योंकि माशाल्लाह लास्ट ईयर इसी जगह पर हमने इंटरव्यू किया था यूसुफ भाई का, और एक साल के बाद मैं दोबारा लाइव आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फजलो करम से अल्लाह ने आज हमें फिर इज्जत से नवाजा है। हम लोग अमर आत कप के अंदर दूसरे नंबर पर आए हैं और शारजा दुबई अजमान उमल कोइन उसके अंदर भी हमारा सेकंड नंबर आया है, और एक सिर्फ दुबई का कप था उसमें हमारा फर्स्ट नंबर आया है। फर्स्ट है ना, उसमें फर्स्ट है। और क्या क्या है यूसुफ भाई, किस तरीके से? पहला कबूतर है माशाल्लाह, तीन कप से पहले नंबर से कबूतर हमारा, और दो कप से बहादुर कबूतर भी हमारा, बहादुर कबूतर भी हमारा हो गया। यूएई का बहादुर हुआ, दुबई अजमान शारजा उमल कोइन, दुबई शारजा अजमान जी, ठीक हो गया। तो अभी आप लोगों को ओनी साहब थोड़ा सा शौक करवाते हैं कूडो का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे आ जाएंगे उतने ही आप लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। ओनी भाई दिखाओ, इधर से इधर आओ ना, पहले ये उड़ा हुआ स्क्वाड दिखाओ, पहले इधर एक मिनट, इधर अंदर से पहले दिखाएंगे। ये स्क्वाड है जो उड़ा है इस साल का चैंपियन स्क्वाड, माशाल्लाह 300 कितने घंटे सर जी, 334 आवर्स, चार फिरता में इन कबूतरों ने बनाए हैं, जिसमें हम लोगों की थोड़ा सी हार्ड लक हुई, तीन कबूतर हम लोगों के मिस हुए और तीन कबूतर हमने नए डाले। ये वो स्क्वाड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस साल का माशाल्लाह चैंपियन स्क्वाड है। ये बहादुर कबूतर है, ये बहादुर मादी है, ये बहादुर मादी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहला कबूतर भी माशाल्लाह, ये बहादुर मादी है, इस मादी की ये आईज है, दोस्तों ये देखो ये इस कबूतरी की आईज है, ठीक है जी। और माशाल्लाह जिस तरह हम लोग, मैं बताता हूँ हमेशा से, ये पहला कबूतर भी है माशाल्लाह, इस कबूतर ने पहला कबूतर का नाम भी लिया यूएई का, ये
ये देखिए, अब इस कबूतरी के ये आज ही उड़ के बैठी हुई है, ये इसके जोड़ है और इसके बिल्कुल बंद जोड़ और मुलायम जोड़ है, दोनों तरफ से बिल्कुल मुलायम जोड़ है। और देखो जो लोग बकवास करते हैं ना, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सबक है। इसकी टेल देखो जरा कबूतरी की, जो कहते हैं ना जी बड़ी ये टेल और वो टेल और अलान और फलान, ये देखो बिल्कुल बंद एक पत्ते पे इसकी टेल है, ये इसका साइज है। देखो जिस तरह मैं समझाता हूँ, आगे से चौड़ा होता है कबूतर, पीछे से बंद। बकवास करनी बहुत आसान होती है, देखो इसके चैंपियंस के पार, चैंपियंस के पार देखो, दसवां पार देखो किधर है, नौवां किधर है, आठवां किधर है, देखो जरा पार इसकी, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये देखो जी, ये देखो पार, बगल देखो माशाल्लाह, बगल का साइज देखो, ये पार देखो, इस पार से कैसा निखरता हुआ उभरता हुआ पार है, ये देखो, देखो यहां से देखो, ये देखो, ये देखो, पूरी एक किताब है ये कबूतरी। जो कहते हैं टैडी नहीं उड़ते, वो देखने टैडी उड़े, जो कोई और बात करते हैं कबूतर सारे उड़ते हैं। जिस भाई कि आपका क्या ख्याल है? माशाल्लाह देखो ये मादी दूसरा है तकरीबन, इस मादी सेम ऑप्शन है, डिफरेंट नहीं है, हड्डी जोर पर दम आंख तकरीबन पूरा सेम है। यूसुफ भाई मैंने माशाल्लाह आपके कबूतर हमेशा देखे, पूरा साल हो गया कंटिन्यू आपके साथ मुझे बैठे हुए, एक साल हो गया है इकट्ठे शौक कर रहे हैं भाइयों की तरह, आपके मैंने कबूतर के अंदर देखा आपके कबूतर का साइज यही होता है, यही साइज उसका जी जो जेद के लिए बर्दाश्त होता है, जो टेम्परेचर 48 का ऊपर है, जो कबूतर समझो ज्यादा ग्राही करता है, यही साइज है, ये सबसे बेहतर है। अच्छा व्यूवर्स के देखने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए यूसुफ भाई कोई अच्छी टिप, क्या बड़े साइज का आपने कबूतर देखा गर्मी के अंदर जो हमारे इधर मौसम नहीं है? नहीं हो सकता, टेम्परेचर तकरीबन 48 का ऊपर है, जो बड़ा बड़ा साइज है तो मन था बड़ा गुरी चाहिए। अच्छा। उसको उतारना बुलंदी लेके जाना सही है, ये कबूतर नहीं है बगैर गोली से चलेगा, बगैर गोली भी चलेगा, क्योंकि हमें तो पता हम इकट्ठे फिरतों में थे कि हम इनको बहुत डर डर के उड़ा रहे थे, हम तो उनको कुछ दे भी नहीं रहे थे। यही बात है, इस साल से और पिछला साल से बहुत डिफरेंट, बहुत डिफरेंट आया हम लोग, बहुत डिफरेंट है, तो पिछला साल से मौसम हमारा साथ भी है, साथ ही है मौसम में बहुत, ये साल नहीं है, ये साल बिल्कुल मुख्तलिफ, बर्तों में मुख्तलिफ भी है, बर्तों में आ गया और भी बाजी में, सारा सारा रात इधर आपने घूम घूम के काटी है, बहुत परेशानी परेशानी है, कबूतर उड़ा रहा कसम से इस साल से। बात कौन कर रहा है इस चीज के ऊपर नोट करना, चैंपियन ऑफ यूएई, सबका चैंपियन और इस ईयर के भी सेकेंड, दोनों कपों के अंदर, पूरी अमारात के कप के अंदर भी सेकेंड हुए हैं, और शारजा अजमान उमल कोइन यहां का भी एक कप होता है उसके भी सेकेंड हुए हैं, और एक कप सिर्फ खाली दुबई का हुआ है उसका फर्स्ट हुए हैं यूएई, यानी कि ये चैंपियन की जुबानी है, जो बातें आप सुनोगे समझोगे वो चैंपियन कर रहा है, कोई आम आदमी नहीं कर रहा, और जिस जगह पर ये कबूतरबाजी कर रही है, यहां पर हर किसी का काम नहीं है कबूतरबाजी करना, यूसुफ भाई मैं गलत बात नहीं कर रहा, ये बात बिल्कुल सही है, ये साल से हमारा यानी शौक में बिल्कुल मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ बड़ा बड़ा शौकीन है, उस्ताद सईद खमेरी है, उस्ताद इस्माइल बलूची है, और काफी चतों के बड़ा है माशाल्लाह, बहुत बहुत लोग बहुत अच्छा कबूतर उड़ा है, बस लोग का नसीब अच्छा नहीं है, कबूतर ऊपर से नहीं आया, साद फाहम भी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा कबूतर उड़ाया, बस जैसा बोलता है नसीब नहीं, नसीब नहीं हो गया उसका, कबूतर नहीं निकला आज का, कबूतर नहीं निकला, वरना परवाज सबको माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर देखो अब तो अगर मगर है, जितना मर्जी मगर मगर कर लेना, हमारे तीन वो परिंदे जाया हुए हैं जिसका हमारी पूरी टीम सोच नहीं था, हमारे तकरीबन यूसुफ भाई हम 20-25 आदमियों के जिसमें का सोच था नहीं, सोच नहीं था, वो नहीं आना, सोच भी नहीं था कि हम रात रह गया, हाँ जी, दूसरा दिन मादी फिर भी रात रह गया, तीसरा दिन नहीं निकला, नजर भी नहीं है, दो कबूतर हमारे रात रहे, अगले दिन आ गए सर, एक आया एक नहीं आया था, एक कबूतर हमारा आ गया, लेकिन फिर हमने उसको, क्योंकि इस दफा माशाल्लाह
यूएई के अंदर एक नया कानून आया जिसके अंदर चार कबूतरों की छूट दी गई है, और ये कानून यूसुफ भाई आप क्या समझते हैं इस कानून को? बहुत अच्छा कानून है, देखो हमारे लिए भी फायदा हो गया था, 3 दिन से हम कबूतर शॉर्ट हो गया था एक एक तो हम डाल दिया, हमारे लिए और भी चांस मिल गया था आगे जाना है। आपके हिसाब से ये कानून बहुत अच्छा? बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। हम लोग 200, 100, 300 कबूतर तैयारी कर रहे हैं, सही है, फिर भी फिक्स कबूतर 11 कबूतर एक दिन 4 नहीं आया था, समझो हम कब के बाहर है। जब भी हमारे पास स्पेयर है 4 कबूतर सकता दाना, हमारा भी सकता फाइट करेगा। बिल्कुल ठीक है, ये तो भी फर्क आता है ना। अच्छा दोस्तों, हम आपको शो करवा के फिर इंशाल्लाह आपको, देखो हम किधर खड़े हो गए, आपको शो करवा रहे कुड्डे के अंदर, और ये बड़ी मेहरबानी है यूसुफ भाई की कि यूसुफ भाई हमें इतना प्यार करते हैं, इतना टाइम देते हैं। अब आपने गौर करना है, इनकी आंखें आपने देखनी है कबूतरों की, थोड़ी पीछे देखें इन कबूतरों की, आप देखें आईज, देखें इनका पार देखें, ठीक है जी। ये जो पहली हमारी सबसे पहली कबूतरी बैठ रही थी ना, ये कबूतरी है जो हमारी सबसे पहले, ठीक है ना जी। पहला कबूतर उसने इनाम भी उठाया पहले कबूतर का। अच्छा देखें, यूसुफ भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि जो हमारी बहादुर बैठ रही है और ये कबूतर, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट नहीं, सेम है, सेम है ना, बिल्कुल सेम है। कुछ वजह से ये कबूतरी हमारी नीचे आ गई, कबूतरी की हमारी 7-7 बजे शाम की परवाह है, कितनी कि हम लोगों की समझ से बाहर। जिस वक्त दोस्तों भाइयों स्टैंप लगती है, लोगों ने वो नतीजा देखना है। हम लोगों ने कोई कबूतर अपना ऐसा नहीं डाला जो हमारा 3-4 बजे से पहले बैठता हो। ये मेरा भाई है सामने खड़ा, हम सारों ने मशवरा किया था, हमने कहा जी हमने कबूतर चैंपियन डालने हैं, बस नीचे वाला कबूतर कोई नहीं हमने डालना, ठीक है जी। और 2-3 हमें ऐसे तूफान लगे, अब वो तो रोना है हमने जितना रोना। कबूतर बहुत ज्यादा हमारे ऐसे कबूतर हैं, 20-25 कबूतर हमारे, कि हमारा रोना निकल गया कि यार ये कबूतर चले गए अब हम करेंगे क्या। फिर भी हिम्मत की, माशाल्लाह मेहनत है यूसुफ भाई की, खालिद भाई की बहुत ज्यादा मेहनत है, निकू की मेहनत है, साजिद भाई की मेहनत है, सबने साथ दिया, टीम वर्क था, और अल्लाह पाक ने हमें उसका फल दिया। तुम्हारा भी मेहनत है उस्ताद जी, तुम डेली हमारा साथ है तो में। बहुत बहुत शुक्रिया तुमको, तुम्हारा भी जीत है, ये हमारा जीत है ना, हम एक टीम का जीत होता है, अकेले आदमी का। ये मादी उस्ताद जी, ये पिछले साल की भी समझ लो चैंपियन मादी है, पिछले साल भी 6 बजे आखिरी परवाज इसकी। अच्छा, इस बार भी पहली है, पहले कबूतर में बहादुर बैठी है, ये जोड़ इसका भी बंद है। अच्छा जोड़ अब बंद होने के साथ मैं एक और आपको बात बताता हूँ, ये देखो ये दोनों तरफ से बहुत नरम है, नरम है। जैसे भाई आपका किसी भी कबूतर का मैंने जोड़ कभी भी ऐसे नहीं देखा कि अगर हमने उसको ऐसे हाथ लगाया ना तो वो चुभा हो, बिल्कुल नरम होता है, स्पिंच लाजमी नरम है, वही बर्दाश्त करेगा केस के लिए। अच्छा, और अगर जिस कबूतर का सख्त होगा जोड़, सुनने वाली बात है, सारों का फायदा होगा, तो बाद में चैंपियन बताएगा। जो सख्त जोर है साजी उसको समझो बेकार है। क्या मुश्किल किया भाई? ऊपर से नहीं आएगा, बर्दाश्त नहीं करेगा, जितना तुम प्रेशर हो जाए ये बर्दाश्त नहीं करेगा, जाया हो जाएगा, जाया हो जाएगा, जितना भी प्रवास करेगा, एक दिन दो दिन तीसरा दिन बोलता सलाम अलैकुम। अच्छा, ये इसको बेकार हम लोग बोलता कबूतर। अच्छा, जोड़ बंद होना चाहिए और मुलायम होना चाहिए, बंद लाजम होना चाहिए, लाजमी बंद है तो रख वाला कोई मुश्किल नहीं, बस बंद होना चाहिए। माशाल्लाह भी 11 कबूतर हम तुम्हारे सामने, पूरा कबूतर चेक करो सर, सबका बंद है, सब एक ही जोर है, चौथा जोर है बंद है, जोर नजदीक है हड्डी के साथ भाई। है माशाल्लाह, एक टाइम हो गया हमें साथ, लेकिन बहुत क्लोजिंग ये 2 सालों में, ठीक है ना यूसुफ भाई। आप क्या यूएई के अंदर कबूतरबाजी के अंदर देखते हैं कि जिस तरह के आपने कबूतर बनाए हैं, बहुत कम मुझे ऐसे कबूतर देखने को उधर मिले हैं, ये क्या कैसे बने? तकरीबन हम लोग का मेहनत है, हम और भाई का साथ। अच्छा, तकरीबन 20 साल हो गया था हम लोग कबूतर देख रहा, कबूतर बना रहा, तो आस्ता आस्ता उस्ताद जी बहुत चीज सीखा, जेब के हम काफी कपों में आया ना, उस्ताद आया हमारा तरफ से सिखा दिया जोरा कैसा लगाना, पर किधर से देखता है जोर, किधर से देखता है आंख, किधर से भी देखता है, सारी अपनी मेहनत है,
सारी हम और भाई का मेहनत। चले दोस्तों भाई की तरफ चलते हैं, बड़े भाई बाहर बैठे हुए हैं, इस कबूतरी का चोक कराते हैं, बाकी कबूतरों का आपको बाहर से चोक करवाएंगे। ये देखो टेल बंद, एक गिट परिंदा। अब गिट आलम चन्ने की ना लिया ना, मेरी गिट देख लो, मेरी गिट के हिसाब से बात करना। और फिर वो ये बातें फिर बड़ी दुनिया बना लेती है वो, छोड़ो अब। ये देखो जी मीडियम साइज की कबूतरी है ये देखो ये कबूतरी बाहर आ ये है माशाल्लाह खालिद रमजान भाई। उस्ताद जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज के लिए। अल्लाह बारक फीक उस्ताद जी, अल्हम्दुलिल्लाह हदा तौफीक मिन अल्लाह सुभान व तआला। طبعاً السنة هاي الشو كان صدق صعب، يعني الأجواء مو ما كانت تسمح، بس توفيق من الله سبحان الله، يعني الواحد يجتهد ويحصل نصيبه، اللهم لك الحمد. استاذ جی کی طرف کرو، استاذ جی استاذ نے کیا بولا، ترجمہ کریں ذرا اردو میں. ہمارا بھائی بول رہا تھا جس سال سے ہم لوگ کا بہت مشکل سے موسم دیکھ لیا تو بہت زیادہ محنت ہے جیسا پچھلا سال نہیں ہے. صحیح ہے، کیوں اس سال سے اتنا ہوا اتنا موسم خراب ہے، ہمارا مین کبوتر بھی چلا گیا تھا. وہ تو پتہ ہے، وہ تو دو طوفان جو ہم لوگوں کے لگے. بول رہا تھا سب لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کبوتر اڑایا، بہت اچھا نہیں ہے. صحیح بات، 6 بجے 7 بجے تک لوگ پہنچ گیا تھا، کبوتر بہت بہت اچھا اڑایا. بس جو جیتنا ایک اور دو اور تین ہے. صحیح بات، یہ نصیب کا بات ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل سے ہم لوگ نصیب مل گیا تھا تو اس سال سے دوسرا نمبر بھی آ گیا تھا. یوسف بھائی تھوڑی سی تلخ باتیں ہیں جو پوچھنی بہت ضروری ہیں آپ سے نا، جو کچھ تلخ باتیں ہیں کبوتر بازی کی جو آپ سے لازم پوچھنی، اور بھلا کر دو یار کبوتر بازی کے، جیسے آپ کو پتا میرے گھر میں کوئی آدمی آیا اسی بات کا پوچھا ہے، جتنا مجھے نالج ہوا ہے. کئی دفعہ آپ بھی ناراض ہوئے کہ یار ہر چیز کھول دیتے ہو، ٹھیک ہے نا. میرے میں کہتا ہوں کہ یار یہ قبر میں نہیں لے کے جانا، لازمی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات بالکل صحیح، آپ نے اتنی تکلیفوں سے یہ علم سیکھا، تھوڑا سا کھول دو، تھوڑا جو میں آپ سے سوال کروں گا نا مہربانی کر کے ان کو سیدھے سیدھے جواب دے دو. لو جی یوسف بھائی پہلے تو یہ بتائیں آپ کے یہ کبوتر بنے کیسے؟ استاد جی کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کبوتر بازی؟ استاد جی 20 سال کا تقریباً ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، ہم لوگ آہستہ 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 سیکھ لیا کبوتر کیسا بنانا. صحیح ہے، کیسا کبوتر اڑان کے لیے، کیسا کبوتر جوڑا کے لیے، اور کیسا کبوتر تم لانا خرابی ہے. صحیح ہے، یہ ہر چیز پوائنٹ ہے استاد جی، لازمی مکمل ہونا چاہیے. اچھا استاد جی ایک اور بات آج آپ سے پوچھی جائے گی، جیسے استاد بولتے ہیں جی کراس اڑانے کے لیے ہوتا ہے اور بریڈنگ کے لیے دوسرا کبوتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے آپ کے پاس ایسا نہیں دیکھا، آپ ہر کبوتر سے کبوتر بنا رہے ہوتے ہو. ہاں یہ بھی ہے، ہمارا استاد جی زیادہ کبوتر ہم اصل لگاتے ہیں، کراس میں تقریباً ہمارا لیے بہت دور ہے، ہم اور بھائی ہے، ہم کراس میں کبوتر زیادہ نہیں بناتے. یعنی آپ کس طرح کس چیز کو آپ کراس کہتے ہیں اور کس چیز کو آپ اصل کہتے ہیں؟ یعنی اگر آپ نے گولڈن اور ایک ٹیڈی پکڑا اس کو آپس میں کراس لگایا، اس کو آپ کراس بولتے ہیں؟ ہاں یہ کراس ہے، ٹیڈی پکڑا لگایا اصل ہم بات اس کو اصل کہیں گے، اصل ہم بول رہا تھا. یعنی کہ لال آنکھ کے اندر آپ نے اگر سیالکوٹی ڈالا تو وہ کراس ہے، کراس ہے، ٹھیک ہے جی. اور آپ نے